दोस्तों मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और मैं पिछले करीब 18 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूं कि कैसे अपने व्यापार को आपको आगे बढ़ाना है और कैसे आपको मंच पर आके स्टेज पर आके लोगों को संबोधन करना है, एड्रेस करना है। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर लिखे हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ वीडियोज चाहिए तो नीचे जो वो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आप क्लिक कर दीजिए और उसके साथ में जो जो बेल आइकन है उसको उठा के और क्लिक कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है कि किस प्रकार से आपको अपने व्यापार को चलाना है बिना किसी टेंशन के। व्यापार आपका चलना चाहिए आपके जाने से, व्यापार आपका चलना चाहिए बिना आपके जाए हुए। अगर आपके जाने से ही व्यापार चलता है तो आप हैं अपने बिजनेस के, अपने व्यापार के बंधुआ मजदूर। तो क्या वो तरीके हो सकते हैं? तरीके बहुत सारे हैं। आइए एक तरीके को मैं लेके आया हूं जो कि बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी आदतें हैं जो आप लोगों ने अपने गलत पाल के रखी हुई हैं। आप लोग क्या करते हो, किस कारण से आप लोग बंधुआ मजदूर हो, किस कारण से आप अटक जाते हो अपने व्यापार के अंदर, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप अपने बिजनेस के आप ओनर हो, आप बिजनेस ओनर हो, आप एमडी हो, तो आप हो अपने बिजनेस के ए स्पॉट पर। आपके नीचे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मान लीजिए परचेस डिपार्टमेंट है आपका, आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इसके जितने भी हेड हैं वो बी हैं। उनके नीचे जितने भी, उनके डिपार्टमेंट के नीचे जितने भी टीम लीडर हैं उनको आप सी कह सकते हैं, उनके नीचे जितने मेंबर उनको आप डी कह सकते हैं, उनके नीचे जितने भी थर्ड क्लास एम्प्लॉइज हैं उनको आप क्लास थ्री के एम्प्लॉइज, उनको आप ई कह सकते हैं। हमेशा कम्युनिकेशन का रूल है कि ए को जो भी कम्युनिकेट करना है उसको बी को करना है, बी ने कम्युनिकेट सी को करना है, सी ने कम्युनिकेट डी को करना है, डी ने कम्युनिकेट ई को करना है। आप गलती ये करते हो कि आप एकदम से इंपल्सिव होके जहां आपको कोई भी काम नजर आता है आप फौरन हायरार्की को तोड़ करके आप सीधा बी पे पहुंच जाते हो या सी पे या डी पे ई पे पहुंच जाते हो। मुझे बताइए, अगर आपको, आपने काम दिया है सी को, डी को, ई को, वो किसको रिपोर्ट करेंगे? ऑब्वियसली बात है, अगर आप हायरार्की को तोड़ करके, अनुक्रम को तोड़ करके, पदक्रम को तोड़ करके अगर आप सीधा सी पे जाते हो तो सी आपको रात को 8 बजे तो रिपोर्ट कर पाएगा जब भी उसको करना होगा, मान लीजिए वो 8 बजे है। और डी को आपने काम दिया, वो दे रहा आपको रिपोर्टिंग रात को 10 बजे, ई दे रहा आपको रिपोर्टिंग रात को 11 बजे। क्या होता है, आपको हर वक्त कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल्स, और आप अटक जाते हो किन कामों में, छोटे छोटे काम जो कि आपके नहीं है। डी आपकी टीम में बहुत नीचे है, वो बहुत ही छोटा काम कर रहा है, लेकिन आप डी का काम आप खुद करके ई को, बजाय इसके कि आप बी को, सी को, डी को एक प्रॉपर ढंग से ट्रेनिंग दे ताकि वही इस काम को करें, आप खुद इन छोटे कामों में अटक जाते हो, जिसके कारण से आपको हर वक्त टेंशन रहती है, हर वक्त आप धंधा धंधा धंधा, हर वक्त आप फायर फाइटिंग कर रहे हो, हर वक्त आप छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो मुझे बताइए, जो काम आपका है, जो प्लानिंग का काम आपका है, जो आइडियाज आपको जनरेट करने चाहिए, उसका काम कौन कर रहा है? मैनेजिंग डायरेक्टर का काम कौन कर रहा है? ओनर का काम कौन कर रहा है? कोई है नहीं उस जगह पर। एक बात ख्याल रखिए कि आपको हमेशा, अच्छा जो मैं आपको बात बता रहा हूं इसके बहुत सारे इफ्स हैं, बट्स हैं, इसके बहुत सारे डिस्क्लेमर्स हैं, इन बातों को बिना सोचे समझे, एक एक बात को सुने बिना अगर आपने कोई भी निर्णय लिया तो गलत होगा, इसके बहुत सारे डिस्क्लेमर्स हैं, ख्याल रखिएगा। तो एक बात का ख्याल रखिए कि ए ने बी को रिपोर्ट करना है, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, अब इसके कितने डिस्क्लेमर्स हैं आपको बताने वाला हूं मैं। ये जो हायरार्की में आपने जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा है, इसके फायदे बहुत सारे हैं। देखिए, एक ही हायरार्की में, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर काम करते करते, एक ही डिपार्टमेंट में काम करते करते इंसान उसका दक्ष हो जाता है, उसका स्किल्ड हो जाता है, उसका दक्ष होने से, उसके स्किल्ड होने से वो काम बहुत जल्दी होता है, ये इसका जरूर फायदा है। दूसरा फायदा यह है कि आपकी टीम जो है, ऑब्वियसली अथॉरिटी इज ऑब्वियस, आपकी टीम जो है ज्यादा काम करने लगेगी, आपकी टीम को पता होगा कि कौन सा काम मुझे करना है, कौन सा काम मुझे नहीं करना है, वो ज्यादा अथॉरिटी ले पाएगी और ज्यादा अथॉरिटी से काम कर पाएगी, उनको पता होगा कि ये काम मेरा है, वो ज्यादा काम करेंगे, अच्छे ढंग से काम करेंगे। अच्छा, आपके बहुत सारे वर्कर्स इस काम से भी काम छोड़ के जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि क्या हमारी यहाँ पर ग्रोथ है, क्या हमें यहाँ पर प्रमोशन मिल सकती है, लेकिन जब हायरार्की होती है तो उनको साफ साफ दिखाई दे जाता है कि अगर मैं ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ तो मेरी प्रमोशन मिलकर मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। हायरार्की होगी, अनुक्रम होगा, ये क्रम से आपने लगा के रखा होगा तो हर हालत में उसके सामने डिफाइंड होगा, बड़े आराम से वो मेहनत से जीन जान लगा करके वो काम को करेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो फायदा है वो ये है कि आपके पास ढेर सारा टाइम निकल आता है। अब अगर आप डिफाइन करते हैं पूरी की पूरी हायरार्की को, अगर बिल्कुल ढंग से काम चलेगा, साफ सी बात है हर एक कोई आपके पास आ नहीं पाएगा, आपके पास सी नहीं आ सकता, आपके पास डी नहीं आ सकता, आपके पास ई नहीं आ सकता, सिर्फ जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं आपको बताने के लिए, जो आपको रिपोर्टिंग है, सिर्फ वही आएंगे, कम लोग आएंगे, आपके पास ज़्यादा समय होगा। और फिर इसके साथ में एक फायदा और भी है, जब समय आपके पास ज़्यादा होगा, कम लोग आएंगे, कम आप फायर फाइटिंग करोगे, सब जगह पर हर जगह पर इमरजेंसी में आप नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास टेंशन्स, वरीज कम होगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो बिजनेसमैन हु डू नॉट नो हाउ टू फाइट विद टेंशन वरीज, दे डाई यंग।
आपको किसी भी हाथ में टेंट वरी नहीं करनी है, हरार की बना के रखिए जिसमें हरार की ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसके कुछ अपवाद हैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ, इनका ख्याल रखिएगा। अदरवाइज अगर आप इनका पूरा ख्याल रखते हैं, समय आपके पास होगा, टेंशन वरी कोई नहीं होने वाली आपकी। मैंने भी आपको बताया है कि आपको हायरार्की को नहीं तोड़ना, आपको बिल्कुल कॉशियस रहना है। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ये सारे की सारी कम्युनिकेशन इसी चैनल से यूजली होनी चाहिए। कुछ एक डिनायल्स हैं जिसकी बात करने वाला हूँ। तो आपने सबसे पहले ये डिफाइन करना है कि मेरे कौन कौन से डिपार्टमेंट के हेड जो मेरे पास आएंगे, ठीक है, आपने डिफाइन कर लिया। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर आपको अपने ड्राइवर से कम्युनिकेट करना है कि भैया गाड़ी को तैयार रखो, मुझे फौरन घर के लिए निकलना है, या मुझे अपनी पार्टी से मीट करने जाना है, कोई अगर मीट में जाना है, तो आप इसका मतलब पहले बी को बोलोगे, बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा, डी ई को बोलेगा, ई जाके ड्राइवर को बोल के आएगा। ऐसा है क्या? घंटों लग जाएंगे साहब गाड़ी निकालते निकालते, मैं आपको हो सकता है शाम सारी बीत जाए इसी काम के अंदर, और बीच में अगर कोई एब्सेंट हुआ तो गए काम से आप। नहीं, ऐसा नहीं होता साहब। देखिए, अगर कोई ड्राइवर है, अगर आपका वो पियोन है, अगर वो आपका ड्राइवर है, तो आप ही को तो रिपोर्ट करेगा, आपको उसको डायरेक्टली खुद ही बताना है आपको। या अगर आपकी पीए है, अगर आपकी ईए है, तो हो सकता है वो बता दे। तो इसका मतलब वो डायरेक्टली जो क्लास थ्री के एम्प्लॉयज हैं, जो आपके अपने हैं, उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट आपने करना है। तो आपको इस बात को डिफाइन करना है कि कौन कौन से हेड मेरे पास आएंगे और कौन कौन से बी या सी या डी में से मेरे पास मुझे डायरेक्टली रिपोर्टिंग होंगे, वो डायरेक्टली आप ही को रिपोर्टिंग होंगे। ये पॉसिबल है कि बी में भी, सी में भी, डी में भी, ई में भी, या इवन आपके ड्राइवर पियोन है, वो आप ही को रिपोर्ट करें। ऐसे आपने पहले से डिफाइन करके रखना है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं उन सब इफ्स की, बट्स की, वो डिनायल्स की, वो रिफ्यूजल्स की, वो एक्सेप्शंस की। जब जब आपको हायरार्की को तोड़ना है, आपके नीचे बी है, आपके नीचे जितने भी लोग आपको रिपोर्टिंग है, ऐसा अक्सर हो सकता है, कॉमन है, ऐसा होता है कि आपको हायरार्की को तोड़ना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए आपके नीचे बी है, तो जो बी है अगर किसी कारण से एबसेंट है, आज एबसेंट है या दो दिन से नहीं आ रहा, उसके घर पर कोई फंक्शन है, या किसी कारण से खुदा ना खासा वो हॉस्पिटलाइज है, अगर वो है ही नहीं, तो आप किसको रिपोर्ट करोगे? कैसे आप इंतजार करोगे बी के आने की? मान लीजिए वो किसी मीटिंग में है और मीटिंग में उसके मोबाइल फोन को ऑफ कर रखा है, व्हाट्सएप को ऑफ कर रखा है, आप उसे ईमेल कर नहीं सकते हो, और ईमेल करते हो तो उसमें बहुत टाइम लग सकता है, किसी कारण से मीटिंग है, या वो दिल्ली के बाहर है, इंडिया के बाहर है, और वो ईमेल को देख सकता नहीं है, वो व्हाट्सएप को देख नहीं सकता, तब आप क्या करोगे? तो ऐसे में आपको हो सकता है कि आपको सी के पास जाना पड़े। अगर आप उसकी हायरार्की को क्रॉस करते हो, अनुक्रम को, उस पदक्रम को क्रॉस करते हो, तो उसकी बहुत सारी बातों का आपने ख्याल रखना है। नंबर वन, आपने ख्याल रखना है कि आपने कार्बन कॉपी यानी कि सीसी मेल के अंदर सीसी आपने करके बी को जरूर इन्फॉर्म करना है कि मैंने तुम्हारे सी को यह काम दिया है। एक ऐसे कर सकते हो, या आप व्हाट्सएप में उसको इन्फॉर्म कर सकते हो, उसके एक स्लिप जो है उसके उसके टेबल तक पहुंचा सकते हो कि ये काम मैंने दिया। लेकिन आपको इसमें ख्याल रखना है कि आपने सी को साथ में इन्फॉर्म करना है कि इसकी रिपोर्टिंग आपने सीधा बी को करनी है, मुझे नहीं करनी। क्योंकि अगर सी आपको रिपोर्टिंग करता है तो फिर आप बन गए, फिर आप उसके कम्युनिकेशन का इंतजार करोगे, वो आपको इंटरप्ट करेगा, उसके पास आपका फ़ोन नंबर चला जाएगा, और एक बारी नीचे की टीम के पास आपका फ़ोन नंबर एक बारी पहुंचा नहीं, तो उसके बाद उसका दुरुपयोग होना शुरू होता ही होता है। वो भी कॉल कर सकता है, हो सकता है उसी नंबर को किसी और को पास ऑन भी कर दे, और फिर आप उसी चक्रव्यूह में फंसते चले जाओगे। आप इसी प्रकार से अपने बिजनेस के आप बंदवा महसूस बनोगे ही बनोगे। तो इस हायरार्की को तोड़ते हुए जब भी आप जाते हो, तो आपको सी को बताना है कि उसने रिपोर्टिंग बी को ही करनी है, उसने रिपोर्टिंग आपको नहीं करनी। और अगर उसने सीधा रिपोर्टिंग आपको करनी है, जो कि अभी एक और एक्सेप्शन में पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए काम आपने जो उसको दिया है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, या काम जो आपने ऐसे दिया है वो ऐसा है कि आप चाहते ही नहीं कि बी को पता चले, या फिर सी ने कहा है कि सर वो बी के अगेंस्ट कोई रिपोर्टिंग करना चाहता है, जिसमें वो सी चाहता ही नहीं, या आप नहीं चाहते कि बी को पता चले, सी भी नहीं चाहता आपको बी को पता चले, तो ऐसे में उसको किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा? उसको रिपोर्ट आप ही को करना है, ए को रिपोर्ट करना है। तो ऐसे में अगर वो हायरार्की को तोड़ते हो, अनुक्रम को तोड़ते हो, सी आपको रिपोर्ट करता है, तो साथ में उसने कुछ ऐसे कम्युनिकेशन कीजिए जिससे उसको पता रहे कि वो इसी काम के लिए, इसी टास्क के लिए वो इस हायरार्की को तोड़ रहा है। अगली बार किसी कम्युनिकेशन के लिए वो आपको आप तक नहीं पहुंचेगा, उसने रिपोर्टिंग बी को ही करनी है। इस ढंग से इन बातों को कॉन्शियसली अगर आप ध्यान में रख के करोगे, एक बारी इसका आदत बना लोगे, तो इस प्रकार के जब भी आप अनुक्रम को तोड़ोगे, आप इन आदतों को बना के रखोगे, अनुक्रम को तोड़ते हुए बातों को कॉन्शियसली जब आप करोगे, तो ये गलती आपसे नहीं होगी। बी सी जो है वो बी को ही रिपोर्ट करेगा, वो अगले आने वाले कामों के लिए ए यानी कि आप तक नहीं पहुंचेगा, अगर आप कॉन्शियसली हमेशा इस बात को ध्यान में रख करके बात करोगे। गलती आपसे क्या होती है कि आप एकदम से इंपल्सिव होकर सी पे, डी पे, ई पे जाते हो, और फिर इस हायरार्की का ख्याल नहीं रखते हो, रिपोर्टिंग आप तक पहुंचती है, अपने फोन नंबर आप देते हो, अपने दरवाजे ऑफिस के खुले
रखते हो, जब ऑफिस आपके खुले रहेंगे हर एक के लिए, तो ऑब्वियसली वो आपको किसी वक्त पे आके ट्रबल कर सकते हैं, किसी वक्त आपको फोन कर सकते हैं। तो कॉन्शियसली आपने हायरार्की को तोड़ना है। मैं अभी आपसे बात करके चुका हूं कि किसी कारण से अगर आपके जो हायरार्की के अंदर, आपके अनुक्रम के अंदर नीचे की तरफ कोई सी है या कोई डी पोजीशन पे है, कोई ई पर है, कोई एफ पोजीशन पे है, अगर उसके घर पे कोई मैरिज होती है तो क्या आपको उसके यहां पर नहीं जाना चाहिए? मैंने ये तो नहीं कहा। अगर किसी कारण से खुदा खासा, जैसे मैंने बात की, अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई हॉस्पिटलाइज होता है, कुछ भी अगर मिस हैपनिंग होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो क्या आप उसको मिलने नहीं जाना चाहिए? क्योंकि आप बिजनेस ओनर हैं, आप नहीं जा सकते, आपकी अपनी एट है, आपका अपना एटीट्यूड है। नहीं साहब, मैंने ये नहीं कहा आपको। किसी भी हाथ में वो आपकी टीम है और आप सोचते हैं कि आपकी लाइबिलिटी बनती है, वो काम ऐसा है जहां पर आपको जाना चाहिए, अगर मैरिज है, अगर उसके साथ में कोई मिस हैपनिंग है, तो जाइए, बिल्कुल जाइए, समय बिताइए वहां पर, लेकिन उतना ही जितना आपको देना है। मैंने अपनी पीछे एक वीडियो में भी आपको कहा है, उतना ही टाइम जितना आपको देना चाहिए उतना देना है। हद से कम टाइम देना तो गलत है, हद से ज़्यादा टाइम देना वहाँ पर बैठ करके खाना खाना, अगर मैरिज है, दो दो तीन तीन चार घंटे तक वहाँ बैठना, उनका मिक्सअप होना, उनके साथ में आपका विस्की लेना, कुछ भी ऐसा काम करना, आपको इतना ज़्यादा भी आपने नहीं करना है, एक लिमिट के अंदर रहिए। अच्छा, फिर अगर आप जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि लिमिट तक रहिए, आधा एक घंटा वहां पर रहिए, बिना खाना खाए आपको निकल आना चाहिए, अव्वल तो यही बात है। अच्छा, यहां पर जाकर आपने अगर कोई भी शगन देते हैं आप करते हैं, वहां पर जाके समय बिताते हैं, हॉस्पिटल है तो वहां पर जाके आप समय बिताते हैं, उसके बाद आपने यहां पर भी अपना फोन नंबर वहां पर नहीं देना, वहां पर ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि वो लिमिट बाउंड्री जो है वो क्रॉस हो। अगर लिमिट या बाउंड्री क्रॉस होती है तो फिर हायरार्की टूटती है। तो अगर लिमिट को क्रॉस करते हो, बाउंड्री को क्रॉस करते हो, तो हायरार्की टूट सकती है, अनुक्रम टूट सकता है। तो आपने संबंध रखने हैं, हर हालत में हर संबंधों को बरकरार रखना है। आपके ओनर और आपके जितने भी इंप्लॉयज हैं उनके साथ में आपका संबंध होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन अनुक्रम ना टूटे इसका भी आपने ख्याल रखना है। चलिए, अगर हम लोगों ने कुछ फायदों की बात करी है कि अगर हम लोगों को अपने बिजनेस का बदवाद मंजूर नहीं बनना है, हमने बिजनेस को बिल्कुल एक स्ट्रक्चरल तरीके से, सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से करना है, तो इस हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला नुकसान है कि बहुत कंबर्सम है। अगर आपको डी तक कोई मैसेज पहुंचाना है, पहले आप ए को बी को बताएंगे, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, और अगर वो उसमें ई एफ जी और भी हैं तो वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत दिन, बहुत सारे घंटे, बहुत सारे मिनट लग सकते हैं, तो एक कंबर्सम है। दूसरा डिमेरिट और भी है, वो ये है कि आते चेंज करनी किसने है, आते आपकी चेंज होनी है, क्योंकि आपने अपने दरवाजे खोल के रखे हुए हैं ऑफिस के, आपने उनको अपने फोन नंबर दे रखे हैं, आपने व्हाट्सएप के लिए सब कुछ ओपन है, कोई भी कहीं पर भी जाके कर सकता है, जिसके कारण से आपकी टेंशन बढ़ बढ़ के यहां तक नौबत पहुंच चुकी है कि आपको इस वीडियो को देखना पड़ रहा है। तो आपको अपने आदतों को चेंज करना है, वो आदतें, वो जो फोन नंबर है आपने दे रखे हैं उसको चेंज करना, इस स्ट्रक्चर में, इस समय जब आपने आदतें बिगाड़ के रखी हुई हैं, चेंज करना, सबको चेंज करना आपके लिए मुश्किल पड़ सकता है। ठीक है जी, तो एक तो कंबर्सम है, एक आपको वहां तक पहुंचाने में नीचे अगर कोई काम देना होगा तो आपको समय लग सकता है, ऐसे करके तीन चार मुश्किलें हैं। मुझे एक बार बताइए, आपको जरूरत पड़ी ही क्यों है कि आपको डी या ई या एफ तक पहुंचने की जरूरत पड़ी क्यों है? ये काम है ही नहीं आपका, ये काम तो सी का है। सी को इस प्रकार की ट्रेनिंग दिलवाइए। हाँ, सी को भी ट्रेनिंग आपने नहीं देनी है, आपने तो बी को देनी है, बी को सी ने। तो जो भी इस हायरार्की के अंदर जो भी काम है सी का काम है कि वो डी को इस प्रकार से ट्रेनिंग देके रखे, इस काम से वो काम को करवाए कि आपकी जरूरत कभी भी बीच में ना आए। किसी भी हालत में डी तक पहुंचना आपका काम है ही नहीं, सी तक पहुंचना आपका काम नहीं है, आपका काम सिर्फ बी तक है, बी को आपके पास आके रिपोर्ट करना है। इस प्रकार से ट्रेनिंग देके रखिए कि कभी भी किसी भी हालत में आपको कम्युनिकेशन करने की, अपने से नीचे की जरूरत ही ना पड़े, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है, ऐसे ही स्ट्रक्चर चलता है। हाँ, डिमेरिट है कि इस कारण से आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसी कारण से जब भी कोई कम्युनिकेशन करना होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में, उस चेंजेस को लाना होता है किसी भी प्रकार के, तो चेंजेस को लाने में कई कई घंटे, कई कई दिन लग जाते हैं। छोटी कंपनी होती है तो अपने काम को बहुत जल्दी कर लेती है, जल्दी से किसी को बुलाया, चलो तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, लेकिन बड़ी कंपनी होती है तो हाँ, इसी काम से बड़ी कंपनी में काम लगता है, टाइम लगता है, लेकिन अगर अपने आप को बड़ा बनाया है आपने और आप चाहते नहीं और टेंशन पे करना, तो कुछ ना कुछ बातों पर कंप्रोमाइज आपको करना ही पड़ेगा, सब कुछ संभव नहीं होता। तो आज हम लोगों ने यह संज्ञान लिया है, ये लर्निंग ली है कि किसी भी प्रकार से हमने अपने स्ट्रक्चर को तोड़ना नहीं है। अगर हम लोग एक जगह पे पहुंच चुके हैं, हमारे साइज जो है ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा बन चुका है, अब मुझे किसी भी हालत में बिजनेस को फैलते हुए रूप को देखते हुए मुझे हर बात पे रिपोर्टिंग नहीं चाहिए, हर एक कोई आके मुझे तंग ना करे, तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाकर उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। आपके पास रिपोर्टिंग बी पर आएगी, बी
पर सी पर आएगा, सी पर डी आएगा, डी पर ई आएगा। इस प्रकार का अगर आपने बना लिया कम्युनिकेशन, आप फ्री हो जाते हैं साहब, काफी हद तक आप अपने बिजनेस के बंदवा मजदूर नहीं रहेंगे। चलिए इसके साथ में मैं आपको लास्ट में कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। और अगर आप इन कोर्सेज को, बिजनेस कोर्स को और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर लिखे हुए नंबर को आप जरूर कॉल कीजिए। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब खैर, बी सिंग यू, मिलते हैं हम लोग, गुड नाइट।